किस तरह राजस्थान के अंदर सिर्फ इसलिए सामान नहीं भेज रहा है कांग्रेस की सरकार है, बीच में रेमडेसिविर इंजेक्शन हमारे वेंटिलेटर जो ध्यान बुद्ध यहाँ पर नहीं भेजे थे। पहला अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पे रोक लगाते थे केरल में जिसको पकड़ा था कोविड पेशेंट को, तो मेरे हिसाब से देश को दूसरे जो दौर था जब ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर लाखों नौजवानों ने सब तोड़ दिया उस दौर से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन अहंकार घमंड और अपने आप को भगवान का अवतार नरेंद्र मोदी मानते हैं। मैं उनके पास रहा था और जब किसानों का मामला आया, हम एनडीए में थे, हमने कहा साहब किसान के मामले में आप ऐसे नहीं कर सकते, एनडीए के बल पर आप सत्ता में आओ अकेले, बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, एनडीए हर किसी का सहयोग करो अलग अलग और उसके बाद उनको खत्म करते जाओ। इन्होंने माना नहीं। और भाइयों या तो पंजाब के अकालियों ने सत्ता को ठोकर मारी और राजस्थान में अगर किसानों के सम्मान के अंदर जिस नौजवान की सबसे नई पार्टी थी वो चाहता था मोदी अमित शाह मंत्री बन सकता था, लेकिन किसानों के सम्मान के अंदर मंत्रिपद को ठोकर मारी और 70 दिन राजापुर बॉर्डर को जाम करके वो बैठा रहा आप लोगों के लिए। और दूसरा जब अग्निवीर योजना लेके आए, अग्निवीर योजना जिसके अंदर सिर्फ पिछले मोदी जी आए कि किसानों के तीनों मिलों के मामले में उनको नीचा देखना पड़ा, बेइज्जती हुई, उस बेइज्जती का बदला कैसे लें। तब इन्होंने कहा कि मैं किसान के बेटों को ठीक करूंगा, मैं रेजिमेंट व्यवस्था ही खत्म कर दूंगा, रेजिमेंट का बखान होना नहीं चाहिए। ये हर उस बात से चिरता है जिनके अंदर मजबूती और इसको लगता है इससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं, और यही सबको भारत देश को आजाद इसने कराना पड़ता। इतनी गलतफहमी उस व्यक्ति के अंदर अग्निवीर योजना सेना के सम्मान के अंदर इस देश के अंदर झंडे के साथ किसी पार्टी ने आंदोलन किया और लोकसभा में ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया अरे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ भाइयों। एक रोजगार के अंदर जो 25% अग्निवीर लेने थे बढ़ा के 50% अग्निवीर लेने की बात करी, आधी जीत एक झटके में दिला दी। आप हमें जीता के भेजना, नागौर से हमारे चुनाव हो गए और नागौर की जनता का मानस ठीक है लग रहा है। एलायंस के अंदर मैंने कहा तुम्हारे बंद कर देंगे, तुम्हारी हिम्मत जरूर कर देना, ऐसे ही चलते रहे। और भाइयों सिर्फ आपके लिए जवानी के 25 साल कुर्बान किए, मैं भी 3 में मंत्री बन सकता था, मेरा झगड़ा जिन नेताओं से नागौर के अंदर आप जानते हैं जिनकी टूटी पूरे देश प्रदेश के अंदर बोलती थी उनको घर बिठा दिया सबको और सेवा करी, और सेवा का परिणाम है कि प्रदेश के नौजवानों का दिल जीता। और हो सकता है सीट हमारी इस बार विधानसभा चुनाव में एक आई और यही है राइस अगर विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता तो कांग्रेस आगे भी मिलकर 135 से 140 सीट ला सकता। हमारे नौजवानों के अंदर जोश, उन्हें नेतृत्व की आवश्यकता, चित्तौड़ के अंदर आरएमपी का बोझ कम नहीं है, चित्तौड़ के आरएमपी के बोर्ड को नेतृत्व है उदयलाल जी आंध्रा जैसे व्यक्ति को मिलने की आवश्यकता थी, आप मिल गए उदयलाल जी निश्चित रहे। मुझे चाहने वाला हर वोट, तेजा जी महाराज का देखा लगने वाला हर वोट, भगवान देवनाथ की जेल बोलने वाला हर वोट आपकी झोली के अंदर जाएगा। आपका जो हाथ का निशान है वो बटन बच्चे दबाएंगे और 80% गांव का नौजवान पोलिंग बूथ तक वोट को लेके जाएगा। भाइयों आर पार की लड़ाई है, मोदी और अमित शाह का घमंड चकना चूर करना है। और यह जो प्रदेश अध्यक्ष साहब जो घूम रहा है, मैं तो जानता हूँ 5 साल साथ था, मेरी दोस्ती भी थी, मैं नहीं कहता, लेकिन जिस तरह भजन मंडली भजन लाल सीपी जोशी ओम बिरला इस भजन मंडली ने राजस्थान का सत्यानाश कर दिया, और अगर ये रह गए कार्टून तो एक कार्टून और खराब कर देंगे। इसलिए इन लोगों को हराओ, अगर हमें मानते हो इनको हरा दो, इनका हारने से कोई छत्ता नहीं, देश की बदल जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जो मुंह पे राम और बगल में छुरी, ये वो लोग हैं जो किसी के नहीं है, ये वो लोग हैं जो एहसान फरामोश लोग हैं। भजन लाल तो काम करता था पार्टी काले में खाना बनाने का, उसको बना दिया मुख्यमंत्री। जो व्यक्ति कह रहा है कि देश 1951 में आजाद हुआ, जोधपुर में भाषण दे रहा, मेरी रात फ्लैट में नहीं उठ सकती, रात को उठती है क्या फ्लैट के अंदर, फ्लाइट भी तो रात को उठती है, मेरी रात फ्लैट में नहीं उठ सकती,
सत्तर 1974 देश आजाद हुआ, ये पांच बार खाना खाता है दिन में, मेरी बात सुनो, पांच बार, तो थोड़ा एक बार रोटी खाते हैं, कल इससे मुक्त करो। इसका भाई सीपी जोशी, इसको भी घर बिठाओ, मेवाड़ को बचाओ, हम तो लड़ते रहेंगे आपके लिए। लेकिन समय जाने के बाद कोई नहीं पूछता, भाइयों समय सबसे बड़ा है। जब राजस्थान के अंदर बदलाव की आंधी चल रही है, मोदी कल मीटिंग कर रहे थे जालौर में, राम जी का नाम ही भूल गए, उनको कहा ना कि राम जी के नाम और तेरे नाम से लोग चिढ़ रहे हैं, तो बोला देखिए ऊँटों में जाओ, नारे लगाओ, माहौल बनाओ, नौजवान उठ जाओ, तबीयत खराब हो गई पूरे दोनों की। पहले राउंड की जो सीट मतदान हुआ वो लगा कि पहले राउंड में भाजपा पूरी तरीके से हार रही है, सेकेंड राउंड बाकी, बिल्कुल बयान बदल दिए, बातें बदल दी, जो अहंकार से बात करते थे वो चुप गए। और मैं देख रहा था सीपी जोशी की फोटो, किस तरह चारपाई पे खाना खा रहा था, खाता के चारपाई पे खाना, तो जानता हूँ भाई इनके मन के अंदर दो तरह दोगले लोग हैं, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, एक व्यक्ति एक बात कहता वही करता। हमें तो उदयलाल डांगी ने भी धोखा दिया उस समय, हमारा काम तो ये रह गया कि लोगों को नेता बनाओ, उसके बाद भाग के दूसरी पार्टी में चले जाते। मेरा तो ये ट्रेनिंग स्कूल हो गई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ सारा किसको भी अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा, किसी को मेरे साथ पार्टी में साफे कम बनाऊंगा, इसे बांधे साहब पर वो भागा, बांधे साहब पर वो भागा, अभी चित्तौड़ से नहीं भागे बच्चे, सारे सारे सुरक्षित है चित्तौड़ में, लेकिन एमएलए मरने के बाद लुके नहीं, आदत पड़ गई। अच्छा भाग के फिर वहां खड़े होते 13-14 नंबर पर, कांग्रेस बीजेपी में कौन पूछता बताओ, वो तो खुद की पार्टी होती है। और फिर वापस भाग हुआ, कहते साहब वापिस आएंगे, वहां आपकी तरफ वापिस लेता नहीं मैं, मेरी भी आदत है, मेरे पास आसान इसको ले नहीं सकता। तो भाइयों मैं तो उदयलाल जी को भी संदेश दूंगा इसके माध्यम से कि सीपी जोशी ने उदयलाल गांधी को कम परेशान थोड़ी कर, याद रखना चाहिए उनको, उनका भी एक सम्मान। क्या कहेगा सीपी जोशी एमएलए बन गए, पांच साल बाद कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई जरूरी है क्या? तो उनको भी मैं संदेश दूंगा कि आप भी डांगी वोट, जो किसान का वोट है, वो हमारा मिलता जुलता भाई है, वो भी हमें वोट करेगा। या अफीम उत्पादन का बहुत बड़ा यहाँ का नियमित चित्तौड़गढ़ का इलाका, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ के किसानों को परेशान किया जाता है बिना वजह। नागो जोधपुर बाड़मेर वहां की पुलिस आती है, किसानों को उठा के ले जाती है, उदयलाल जी 29 का मुलजिम उनको बना देती, बेचारों का कोई दोष नहीं। पॉलिटिक्स का सबसे घिनौना जो करते हैं वो एनडीपीएस 29 धारा के नाम से चित्तौड़ में किसानों को तक परेशान किया जा रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार इस 29 धारा को खत्म करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और जोरदार ढंग से पहले भी करेंगे। पहले राउंड का जो रिजल्ट आ रहा है, 102 सीटों पे चुनाव हुए हैं राजस्थान देश के अंदर, और उसमें 50 से ज्यादा सीटें इंडिया एयरलाइंस जीत रहा है, बराबर पे आ गए इंडिया एयरलाइंस। और सेकंड और थर्ड राउंड अगर इसी तरह निकल गए, वो दिन दूर नहीं जब मोदी को घर बैठना होगा और सत्ता इंडिया एयरलाइंस के हाथ के अंदर होगी, और सत्ता अगर उनके हाथ में होगी तो आधे से ज्यादा ये लोग जेल के अंदर जाएंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बार बार ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई का डर बता के जिस तरह लोगों को भाजपा ज्वाइन करा रहे, जिस तरह लोगों को हाथ में अपने जूते पहन रहे हाथों से, मेरे नागौर के 2-3 हमारे समाज के नेता बेचारे उनको कहा मैं जूते पहनाओ, जूते पहनाए उन्होंने, नहीं तो केस मुकदमे पेंडिंग है ना, तो बोले वो केस का क्या लोग करते हैं, बदमाश लोग हैं, तो इन बदमाशों से हमें सावधान रहना है। मैं आपको अपील करता हूँ कि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एमपी साहब, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो मातृगुंडिया डैम से पानी की बात आप कर रहे थे कपास, हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोनों भाइयों को मिलकर लड़ते हुए आप देखोगे लोकसभा के अंदर, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे खुले और बड़ी इंडस्ट्री खुले, हम कानून बनवाएंगे रॉयल्टी और विधानसभा में उठाएंगे मामला, और हम लोकसभा के अंदर की स्थानीय इकाइयों में 80% नहीं ये उठाएंगे ना, इन इनपे डाल देना धन से बोला इस्तीफा देने से पहले उठा जाएंगे एक दो। बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जमीनें हमारी, प्रदूषण गांव के अंदर, लेकिन रोजगार हमारे बच्चों को नहीं, तो 80% स्थानीय इकाइयों में रोजगार मिले ऐसा कानून हम बनवाएंगे। आस पास की जो इंडस्ट्री उसमें लोकल बच्चों को नौकरी मिले। गरीबा माइंस की गुंडागर्दी चल रही है,
बाय बाय। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको भी ठीक करने के लिए एक दिन हम दोनों आएंगे यहाँ पे और बच्चों को रोजगार दिलाएंगे और अफीम के मामले में सारी बात आपके सामने रखी। हमने आरएलपी पार्टी का गठन किया, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, युवाओं को रोजगार, प्रयास किया और प्रदेश में पहली बार किसी नौजवान ने सत्ता को ठोकर मार के लड़ता रहा और जब लगा देश के अंदर जब किसानों को आवश्यकता है, अब देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से, जिस तरह गोमांस निर्यात करने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए ले लिए, गाय का मांस निर्यात करने वाली से, आप देखिए लंपी में किस तरह गोमाता का दम तोड़ा। जब लोकसभा में मैं लंपी में भाषण दे रहा था तो बीजेपी के कई एमपी पीछे से हंस रहे थे कि कहाँ है लंपी, उनको पता नहीं। उसके बाद बुरी तरीके से लंपी आई और लाखों गाय राजस्थान में दम तोड़ गई। ये लंपी का टीका 2019 में ये लोग चाहते तो बंगाल उड़ीसा में जो लंपी आई थी टीका ईजाद कर देते, लंपी से गाय की जान नहीं जाती। भाइयों इतना भ्रष्टाचार देश के अंदर, सिर्फ अडानी अंबानी दो ही परिवार दो हो गए गुजरात के गृहमंत्री प्रधानमंत्री, दो हो गए उद्योग, चारों व्यक्ति गुजरात के अंदर जा रहा सारा मामला। देश डूबता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। हमें तो ईश्वर का शुक्र है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें रामनवमी थी, हमने सोचा दंगे करा के जीत रहे हैं तो दंगे रहे, पहला चरण तो ठीक हो गया तो मामला ठीक है। आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि चुनाव के समय ये कुछ भी हका काम कर सकते हैं, बहुत परेशान है लोग। जैसा रोहित जी ने आपको बताया कि पेटियों की निगरानी भी रखनी, वैसे तो पेटियों की निगरानी रखने के लिए अपने सारे कर्मचारी सब लोग अपने ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन अपने को भी पेटी जब तक जमा नहीं हो जाए तब तक अपने को उसका पीछा करके और वहां तक करवा के आना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये बेरूपी है, ये नौटंकी करने के अंदर इनसे ज्यादा किसी की मास्टरी नहीं। कोई मीडिया वाला खिलाफ लिखे ईडी भेज देंगे, अखबार प्रिंट मीडिया आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया बैन करना, हर तरीके से हथकंडे इन लोगों ने अपनाए। दो दो मुख्यमंत्री जेल में भाई, ऐसा थोड़ी होता। और जमानत नहीं होने दे और अपने घरों से ही कानून चलाए, चाहे जिसको हाईकोर्ट जज बनाए चाहे जिसको सुप्रीम कोर्ट जज बनाए, इनको रोकने वाला कोई भी नहीं। इसलिए इस बार हमें लोकतंत्र को बचाना है। हमारे कैंडिडेट ने तो भाषण दिया था कि अगर 400 पार आ गए तो संविधान ही बदल देंगे। संविधान बनकर तेरे गांव में थोड़ी बना था जो बदल देंगे, संविधान तो बाबा साहब ने बनाया था, तुम्हारे बाबा जी नहीं बनाया, भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, वो किसी से नहीं बदल सकता। और दो ही दिन में इनको कहना पड़ा कि संविधान नहीं बदलेंगे, ये बोले संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे और चुनाव पे भी रोक लगा देंगे। प्रदेश जिन हालातों से गुजर रहा है, देश जिन हालातों से गुजर रहा है, कोई गणित नहीं। मैं इनके पास रहा उदयलाल जी, कैबिनेट मंत्री अमित शाह के सामने बैठ गए, उनसे तो हम ठीक थे, जाके बैठ जाते जब भी। एक हिटलर की तरह शासन करना और भारी भ्रष्टाचार करना और ते भी सरकारें गिराना देश में कितनी, ते भी चुनी हुई सरकार गिराई, राजस्थान की सरकार भी गिरते गिरते बची थी। तो आप लोगों ने हिम्मत रखी, हम तो उस समय गिराने में थे, देखो मैं था हम भाई उनके झांसे में थे तो गिराने में थे हम लोग, लेकिन ये बचाने में थे, ये बचा ले गए, गिरी नहीं। फिर हम सोच रहे अच्छा रहा नहीं गिरी, गिरती तो सत्यानाश हो जाता राजस्थान की। ठीक रहा, कोविड आ गया, देखो मैं तो सत्य व्यक्ति हूँ, उस समय पाड़ा अलग था तो उस पाड़े के साथ था, हमारा सरकार से झगड़ा नहीं था, पाड़े मंडे में थे, उधर पाड़ा था, अब मेरा पाड़ा इधर है, तो इधर कोई कमी नहीं चाहिए, बोली लग गया आगे खड़े मिलेंगे, कोई चिंता नहीं। लेकिन खुद कहते थे अरे हनुमान भाई हमने 23 सरकार गिराई है, हमने 24 गिराई है, और ये चीजें अपने आप को ये कहते थे कि हमने अच्छा काम किया। लोकतंत्र की हत्या करना इनकी आदत बन चुकी है। मणिपुर की हिंसा, देश के अंदर जिस तरह दलितों पर अत्याचार, जिस तरह छोटी बहन महिलाओं के साथ बलात्कार करता है देश के अंदर हुई, इनके नेताओं के जिस तरह वीडियो सीडी आई, उत्तर प्रदेश जहां जंगल राज है एनकाउंटर होता है लेकिन जाति देख के एनकाउंटर होता है, आप उठा के लिस्ट देख लीजिए, एनकाउंटर के अंदर 2-3 जातियों को छोड़ के तमाम जातियों के एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, बोले जाति के आगे छोड़ दो वो मार दो, ये यूपी के अंदर चला।
भाइयों, ये तो कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है, इसलिए आपको याद करना है ये राजस्थान मेवाड़ की धरती वीरों की सूरवीरों की धरती है। हमें जवाब देना है कि राजस्थान कोई गोचर नहीं है कि कोई भी आएगा चर के चला जाएगा। पिछली बार 25 हो गई होगी, इनसे नहीं हुई। मैं सातवा पिछली बार, ये तो मेरी जोड़ लो और 5-7 मेरी वजह जोड़ लो, तब 25 हुई थी। अब की बार हिम्मत रखे आप, और मेवाड़ से उस भाई सीपी जोशी जी को भी, क्या कि बहुत ज्यादा अपने आप को सुपर सीएम समझता है, उसको भी यहाँ रखो आप ऑफिस। यहाँ एक बार सेवा करे गाँव गाँव, उनको बड़ा शौक है कि मैं गाँव गाँव सेवा करना, तो सेवा कराओ गाँव गाँव। क्या आवश्यकता बताओ मुझे, MP रखा ना आपने 2 बार, क्या नौकरी तेरे करी बताओ मुझे, चित्तौड़ में क्या कर लिया उसने 10 साल के अंदर, चित्तौड़ में 1 रुपए का काम करा तो बता दो, उससे ज्यादा तो मैं ठीक हूँ। तो 2,000 करोड़ रुपए सड़कों के दिल्ली से रख ले, फिर भी कम से कम बड़ी बात तो रख सकता हूँ। ये जो सारा कोकस है, इस कोकस को भजनलाल, सीपी जोशी, ओम बिरला, इस कोकस को खत्म करना है और राजस्थान को बचाना है। मैं वोट की अपील करने चित्तौड़ की धरती पर आया हूँ, हर जगह नहीं जा पाऊंगा। कपासन से पूरे संसदीय क्षेत्र के मेरे नौजवानों को अपील करता हूँ, किसान भाइयों को अपील करता हूँ, अगर मैंने आपके लिए अपना जीवन समर्पित किया, पूरी जवानी समर्पित की, तो उदयलाल जी आंजना को वोट देना आप, उनको दिया वोट, हनुमान गरीवाल को दिया वोट माना जाएगा। तो वोट की अपील करने आपके बीच आया हूँ, कपासन से बल्लभ नगर, मावली, चित्तौड़, बेबू, निमाड़ा, सादरी, जहां जहां किसान के बैठे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो काम निकलवाना चाहते हैं सत्ता का, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियों में तेल सीपी जोशी से भरा लो और वोट उदयलाल जी आंजना को, काम बीजेपी से करा लो, हमारी तरह सीखो ना नागौर की तरह, काम इधर से वोट इधर, इतना होशियार बनोगे तब इन धोखेबाज नेताओं का इलाज होगा। कर दोगे कि नहीं कर दोगे इलाज? कपासन के अंदर विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी रैली आपने कही थी, वोट 31-32 हजार, 31-32 हजार है, तो अब की बार कपासन से उदयलाल जी को कम से कम 50,000 वोटों की मेडल दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? अब की बात है, और दोबारा आज हमारी हाजिर निकलना प्रयास करूंगा मैं वापस जाने का, 2 दिन का समय, लेकिन हमारी टीम है आज से जो जो है सारी उदयलाल जी के लिए आ जाएगी, इतना विश्वास मैं आपको दिला।